हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंट आबू। सो हम लोग कल 7:30 बजे माउंट आबू पहुंच गए थे, कल चुके माउंट आबू घूमने। और यहाँ पर ना कई सारी प्लेसेस है घूमने के लिए। सो यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ से गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू से 12-13 किलोमीटर थोड़ा सा आगे है। गुरु शिखर काफ़ी हाइट पे है, सो वहाँ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज का हेडक्वार्टर, इट्स अ वेरी साइलेंट प्लेस, तो एक बार वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी एक्सप्लोर करते हैं। टाइम हो रहा है 10:30 इन द मॉर्निंग, और ये पीछे में जो आप देख रहे हो होटल शिव विला, तो ये हम लोगों का रात का स्टे था। बहुत ही बढ़िया होटल मिला हमें, चांस की बात से हम लोगों को booking.com पे बहुत अच्छी डील मिल गई थी। सो अच्छे रूम्स है इसके, बाहर सामने गाड़ी भी बहुत सेफली पार्क्ड है। तो ये हमारा कुछ होटल है। सो फिलहाल वेदर बहुत बढ़िया था, रात को 21 डिग्री सेल्सियस था। हम लोग ऊपर टेरेस पे बैठे हुए थे, ऊपर की साइड पे, और बहुत ही ज़बरदस्त वेदर। चले गाइस, हम लोग यहाँ पर आए हैं राजस्थानी फूड खाने के लिए। देखो यार, दाल बाटी चूरमा कितने बढ़िया तरीके से इन लोगों ने सर्व किया है हमें। यह है दाल, यह है बाटी, पापड़, चूरमा। ये तो देख के पेट भर गया भाई, तो खराब भी नहीं करने का मन कर रहा बिल्कुल। बाटी को बारीक तोड़ के खाने में, पूरा तोड़ के फिर ये चटनी डाल देना दाल, और फिर घी डाल देना। अच्छा, घी उसमें फिर डाल, अच्छा पूरा मिक्स करना, दाल राइस के जैसे फिर खाते हैं। भाई मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ गया खाने में भाई। इसमें मैंने बाटी डाली, उसके बाद दाल डाली, घी डाला, चटनी डाली। पता नहीं हम सही तरीके से खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, बट टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। कैसा लगा आपको? यम, बहुत सही, यम एक नंबर। गुरु शिखर का मेन मंदिर गेट, यहाँ पर व्यू देखो नीचे। बाढ़ देखो यार, अभी तक यहाँ पर सब कुछ विजिबल था, अभी कुछ भी विजिबल नहीं है, सारे क्लाउड्स आ गए भाई। क्या वेदर हो गया एकदम। सो गाइस, फाइनली हम लोग अचलगढ़ मंदिर में पहुंच गए हैं। ये पीछे में मंदिर है, आप देख लो। और पता है यहाँ पर ना सिर्फ जीप आती है, ये वाली जीप आती है, मतलब 1 किलोमीटर के 5 लोगों के 300 रुपये चार्ज करते हैं आने जाने का। तो मैंने बोला कि आपकी गाड़ी जाएगी, हमारी नहीं जाएगी, उसका एक रीज़न। तो बोलते हैं बहुत नैरो रोड है आगे, बहुत नैरो पैच है, उसमें से यही निकल पाएगी। तो मैंने बोला अगर ये निकल जाएगी तो ये भी निकल जाएगी। तो मैं उसको ले आया, और उस नैरो पैच पे से बहुत, मतलब जितनी इसकी विड्थ है
उतना ही वो पैच है, इतना सा भी गैप नहीं था। धीरे धीरे करके निकाल दी और हम यहाँ पर हैं। और बहुत ज़्यादा हाइट थी, मतलब बिल्कुल फर्स्ट गियर पे ही कार चल रही थी, सेकंड तो डाला ही नहीं, फर्स्ट गियर पे गाड़ी चल रही थी। हम यहाँ फाइनली आ चुके हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अगर सामने से भी गाड़ी आ गई ना तो लग गए। फाइनली पहुंच गए हैं नक्की लेक। तो नक्की लेक जो है ये कुछ ऐसी दिखती है, क्या ज़बरदस्त व्यू है। ऐसा लग रहा है कि गर्म पानी है, उसमें से धुआं निकल रहा है लिटरली, मतलब क्लाउड्स हैं ये सब। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्लाउड्स के ऊपर थे, अभी हम लोग क्लाउड्स के साथ हैं, थोड़ी देर में क्लाउड्स के नीचे चले जाएंगे। तो ये जो आप व्यू देख रहे हो दिस इज समथिंग एल्स, मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ वो शायद कैमरा भी मेरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। ये देखो तो बच्चा होने के बाद ना ये बैग लेके चलना पड़ता है। कैसे पड़ा हुआ है ये कैसे पड़ा हुआ है। हम लोग पूरा घूम चुके हैं, 4 घंटे पूरा माउंट आबू घूम लिया हमने। और ये हम लोग गुजरात बॉर्डर में एंट्री कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स अहमदाबाद। हम लोग यहाँ से अभी अहमदाबाद जा रहे हैं। सो प्लान ऐसा है कि आज रात का स्टे हमारा अहमदाबाद में होगा, एक हमारी दीदी रहती है उनके घर जाएंगे। एक हमारी दीदी रहती है उनको जो है वहाँ पर रात को स्टे करेंगे हम। भाई माउंट आबू कहाँ गए हो? दिल्ली। साइड करो, चेक करो, सब फैमिली के साथ ही हैं। आ जाओ चेक कर लो, आ जाओ। सो गाइस फाइनली हम लोग अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस 5 घंटे लगे हम लोगों को माउंट आबू से अहमदाबाद पहुंचने में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था बट रोड पे कुछ कंस्ट्रक्शंस थी तो उसकी वजह से टाइम लग गया, ट्रैफिक मिला, फिर जिस लोकेशन पे हमें आना था वो लोकेशन ढूंढनी पड़ी। तो करते करते अपने को 5 घंटे लगे। सो अभी हो रहा है 1:00 इन द नाइट और भाई अपने सोने की तैयारी है बिकॉज सब लोग बहुत थक गए हैं, क्योंकि कल का जो दिन है, कल का दिन हमारा बिल्कुल सबसे लंबा दिन होने वाला है। मतलब हम लोग अहमदाबाद टू दिल्ली नॉन स्टॉप जाएंगे, नॉन स्टॉप इन द सेंस कि 1-2 स्टॉप लेके, मतलब विदाउट एनी हॉल्ट, विदाउट एनी स्टे हम लोग डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे। तो कल का दिन हम लोगों का 1000 किलोमीटर की ड्राइव होने वाली है। सो गाइज हम लोग आए हैं यहाँ पर ऑक्टेंट पिज़्ज़ा में। ये था ऑक्टेंट एक नाम का ब्रांड है यहाँ पर अहमदाबाद में। तो यहाँ पर कई ऐसे सिस्टम है, यहाँ पर बुफे आपको मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी है, एडल्ट्स का 350 रुपीज़ है, मतलब 350 रुपये पे करो और ये बैंड मिलता है, जो मर्जी खाओ, कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, 350 रुपीज़। तो सेम ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक विलियम जॉन्स पिज़्ज़ा है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है अहमदाबाद की, तो वहाँ पर भी सेम सिस्टम है। यहाँ से एंट्री होती है एंड ये देखो ये पूरा एरिया जो है, ये इतनी सारी आइटम्स हैं और सिटिंग स्पेस बहुत बढ़िया है यहाँ पर। एक चीज़ है, अगर यहाँ पर आपने अपनी प्लेट में कुछ भी चीज़ छोड़ी तो वो चीज़ का जो MRP है वो आप लोगों से लिया जाएगा। तो वो सामने बोर्ड पे लिखा भी है पूरा, वेस्टेज विल बी चार्ज एक्स्ट्रा फुल MRP ऑन डिश। सो ये हमारा अभी वहाँ पिज़्ज़ा चल रहा है और यहाँ पर देखो पाव भाजी, पनीर टिक्का एंड सो ऑन, कोल्ड ड्रिंक
रिकॉर्डिंग का भी बता दो। हाँ तो ये हमारे जिया जी हमको लेकर आए हैं और इन्होंने बोला कि तुम्हें नई जगह लेके चलता हूँ, बाकी में जगह तो नहीं थी। ऐसे लोग हमने पहले नहीं देखे कभी। अरे सो गाइस फाइनली खाना वाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने भैया के घर आए थे। तो मेरे भैया जो है वो अहमदाबाद में रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने आया था और मैंने काफ़ी पहले ब्लॉग में भैया को लिया हुआ है। तो ये हैं मेरे भैया जिनसे मैं मिलने आया था और ये हैं हमारी भाभी श्री जो एक नंबर खाना बनाती हैं बहुत ही बढ़िया। दिलीप जीजा जी जिनके यहाँ हमने कल रात को स्टे किया था और आज भी स्टे करेंगे बिकॉज हमें सुबह 3 बजे निकलना है। खुद का घर है, तो सुबह उठ के अपन लोगों 3 बजे हम लोग उठ जाएंगे, 4 बजे यानी हम लोग ऐसे निकलना है बिकॉज गूगल मैप्स ने बोला है कि 12-13 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुँचने में, तो इट मीन्स कि 14-15 घंटे लगेंगे। सो टाइम से निकलेंगे तो बेटर है। और बारिश ने तो भाई क्या ही कमाल कर रखा है, पिछले 5 घंटे से बारिश हो रही है और पानी भर गया बाहर और मैं लाया स्कूटी, आज तो पक्का भीगने वाले हैं। लेकिन भैया आपसे मिलके मज़ा आ गया, मतलब फटाफट दिल्ली आओ, हैं गेट टुगेदर करते हैं और मिलते हैं जल्दी, ठीक है? आओ चलो चलो। सो गाइस फाइनली अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 और हम लोगों की प्लानिंग थी 3 बजे उठ के 4 बजे निकलने की, जो कि 1 घंटा लेट हो गई। सो हम लोग प्लान से 1 घंटा डिले चल रहे हैं, बट अभी 5:30 तक अपन लोग निकल जाएंगे। सो फाइनली अब टाइम आ गया है जिया जी को गुड बाय करने का और दीदी को गुड बाय करने का। सो बहुत अच्छा लगा इनके साथ, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिले हैं, हालांकि बात वगैरह काफ़ी बार हुई है बट मिले पहली बार है, घर पहली बार आए हैं। तो इसलिए अहमदाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं कभी भी आता हूँ तो मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता, इनफैक्ट अभी भी मन नहीं करा, बट ऑफिस जॉब ये सब ऐसी चीज़ है ना, ये मजबूर कर देती है आदमी को लेके जाने के लिए। तो ये आप कुछ कहना चाहोगे? सब बहुत अच्छा लगा, आप आए इसको क्या बोलूँ मैं, दिल्ली दिल्ली पूरा घुमा हुआ है इन्होंने। अब आप हमारे घर आना, ये बस दिल्ली में हमारे घर ही नहीं आए, बाकी हर जगह आए, अब घर आना, ठीक है दीदी? थैंक यू सो मच, बाय। किसको? कनिष्का को? अरे दीदी की बेटी रह गई, वो देखो वो सो रही है, सोने नींद खराब मत करो। सो यहाँ चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से गाड़ी में। सो गाइस फाइनली हम लोग अहमदाबाद से निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:25, मतलब 5:30 बजे का टाइम है और अभी गाड़ी का जो रीडिंग है वो है 1175। तो देखते हैं कहाँ पर जाके हमारा ट्रिप एंड होता है, बट फिलहाल तो यहाँ से निकल कर मौसम बहुत ठीक हो गया, रात को बहुत तेज़ बारिश थी बट फिलहाल अभी सारा मौसम कुछ। हम लोगों ने कवर कर लिया है 400 किलोमीटर। तो अहमदाबाद से निकल के अपन लोग जो है उदयपुर वाला रास्ता लिया, वैसे अहमदाबाद से दिल्ली आने के 3 रास्ते हैं, तो सबसे पहले है पाली जोधपुर वाला, दूसरा हिम्मतनगर उदयपुर और जो तीसरा रास्ता है वो बन रहा है अभी दिल्ली मुंबई वाला बड़ौदा होते हुए। तो हम लोग अभी यहाँ से उदयपुर वाले रास्ते से आए हैं, 6 घंटे में हम लोगों ने कवर कर लिए हैं करीबन 400 किलोमीटर। तो हम लोग सुबह 5:30 चले थे अहमदाबाद से, सो राइट नाउ इट्स 12:00 इन द आफ्टरनून और अभी हम लोग भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं। तो ड्राइव कर रहा है फिलहाल अभी हेमराज और इसके बाद अब मैं आने वाला हूँ और ये हमारा छोटू जो है इसने पॉटी कर ली और ये रही इसकी पॉटी, देखो ये देखो, दिखाऊं पॉटी? दिखाऊं आप लोगों को? ये देखो इसकी पॉटी, ये सो गाइस फाइनली हम लोग अभी एक जगह आती है रास्ते में जहाजपुर के नाम से, वहाँ पर रुके हैं। यहाँ पर जैन समाज का बहुत बड़ा मंदिर है, एक पीछे में देखा था हमने। तो यहाँ पर ना पूरी रोड पे कोई होटल हमें ढंग का नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो एरिया आया उसके बाद हमें ना एक यहाँ पर होटल मिला, होटल रिलैक्स। ये बेल्ट जो है ना ये पूरी 30-40 किलोमीटर की है, ये टोटली गाँव वाला एरिया है, यहाँ पर कोई आपको होटल नहीं मिलेगा। भीलवाड़ा से मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ जाओगे ना तो कोशिश करना कि भीलवाड़ा में अपना मेन हाईवे पर ही लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर करके आना। तो ये होटल अपने को खुला हुआ मिल गया इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए और वेदर देख रहे हो भाई ज़बरदस्त वेदर है, ये अभी एकदम से चेंज हुआ है। सो ये अभी थोड़ी देर पहले धूप हो रही थी बट यहाँ पर अब एकदम से मौसम चेंज हो गया और गाड़ी की हालत देखो, ये देखो कितनी गंदी हो गई हालत। बट भाई इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया है, नो कंप्लेंट्स नो डिमांड्स, टचवुड ऐसी ही चलती रहे घर तक, अच्छी चले।
सो अब यहाँ से बस खाना वाना खा के अपन लोग निकलेंगे और जाएंगे यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। सेव भाजी है, जो सेव भाजी मैं तीसरी बार खा रहा हूँ उस ट्रिप पे, मुझे बड़ी पसंद आई है वो। मैंने सेव भाजी सबसे पहले औरंगाबाद जब मैं गया था लास्ट टाइम, वहाँ जाते हुए खाई थी। सो अभी हम लोगों का खाना आने वाला है। सो गाइस, फाइनली हम लोग गुड़गांव पहुंच चुके हैं और हमारा ट्रिप यहां पर एंड होता है। और इसी के साथ हेमराज और पायल को हम लोग करते हैं बाय बाय, और हम यहां से अपने घर जाएंगे, क्योंकि यहां से मुझे अपने घर पहुंचने में एक घंटा लगेगा। बट फिलहाल अभी हम लोगों ने 13-13.5 घंटे में दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू दिल्ली क्लिक कर दिया, और जिसमें हमने एक घंटे का ब्रेक लिया था, तो 12 घंटे हमें लगे। गूगल मैप बोल रहा था 14 घंटे, बट मुंबई एक्सप्रेस वे पे तो अपन दोनों ने एकदम रेल लगा दी बिल्कुल। तो इसी के साथ करते हैं दोनों कपल्स को बाय। ओके, अगला प्लान हमारा गो गो गोन होगा। वेरी सॉरी, गो गोन नहीं, ये बताना नहीं। अगला प्लान जहाँ का भी होगा वो रिवील नहीं करना। इसी के साथ करते हैं हमारी ये वाली ट्रिप क्लोज, ये वाली वीडियो क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना, और सिक्किम से भी सब्सक्राइब करवाना। हाँ, अब ये चैनल की रीच जो है वो सिक्किम तक जाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।